भगवान के पास साधना हो गई, काली का दर्शन आपने ले लिया, हवन का कार्यक्रम हुआ। अभी कल हम हरसिद्धि माता और सौभाग्य सुंदरी मंदिर देखने जा रहे हैं। वैसे गुजरात के साधकों को सौभाग्य सुंदरी के बारे में और हरसिद्धि माता के बारे में बहुत अच्छी तरह पता है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस माता की पूजा किस तरह करनी चाहिए, क्या करने से सिद्धि मिलती है। फिर भी गुरु होने के नाते मैं इन दो क्षेत्रों में इन दो माताओं का किस लिए, किस लोक कल्याणार्थ इनकी स्थापना हुई, यह आपको बतलाता हूं। आप सभी को पता है महर्षि भृगु एक भृगु महर्षि बहुत श्रेष्ठ ऋषि थे। एक बार इन सभी को, सभी ऋषियों ने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इन तीनों में कौन से देवता महान है ये पूछने के लिए अपनी सारी तपस्या भृगु महर्षि को दी और कहा कि इन तीनों की परीक्षा ली जाए, इन तीनों की परीक्षा ली जाए और आप परीक्षा करो कि इन तीनों में कौन श्रेष्ठ है। भृगु महर्षि तपस्या से युक्त हुए और वे पहले ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को बोला कि मैं पृथ्वीलोक से महर्षि भृगु आया हूं और आपसे मिलना चाहता हूं। ब्रह्मा ने कहा मैं ज्ञान योग में हूं, मैं फिलहाल आपको समय नहीं दे सकता, मेरे काम में मैं सृष्टि काम में लगा हुआ हूं। भृगु महर्षि ने एक बार कहा, दो बार कहा, तीसरी बार शक्तिलोक में उनका दरवाजा खुले धड़ाम के साथ और अंदर चले गए। तो ब्रह्मा ने कहा इतना भी तुझे ज्ञान नहीं, तू मनुष्य होकर इतने गर्व के साथ मेरे पास आता है, तुझे देवताओं का भी ज्ञान नहीं। और ब्रह्मा कुछ कहने ही वाले थे, भृगु ने कहा दिया कि जिसकी अर्थ त्राण में जिस मनुष्यों को अगर दुख हो वो तुम्हारे द्वार पर आया हो, तुम उसको नहीं देखते हुए उसको बाद में आ कभी आ ऐसा कहते हो तो ये कहां तक सच है। तुम देवता अगर हमारी पुकार ना सुने तो तुम देवता काहे, ऐसा कहते हुए भृगु महर्षि ने सारी ऋषियों की तपस्या के युक्त होने के कारण उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि पृथ्वी तल पर तुम्हारी मूर्ति की पूजा नहीं होगी। और हम देखते हैं कि पृथ्वी तल पर जितने विष्णु और भगवान महेश्वर के विग्रह मूर्तियां हैं और ब्रह्मा जी की मूर्ति कहीं कहीं एक पुष्कर में और ऐसे ही कहीं एक दो तीन जगह है, उसके बाद ब्रह्मा की मूर्ति की पूजा कहीं भी नहीं है। उसके बाद वो शिव जी के पास गए, कैलाश पर्वत पर जैसे कैलाश में पहुंचे तो शिव और पार्वती माता अंदर बैठे हुए थे। नंदीश्वर को, भृंगी को, इन सभी को कह दिया गया था कि माता और शिव जी और पार्वती माता एकांत में बैठे हैं, किसी को अंदर ना भेजना, डिस्टर्ब नहीं करने का। भृगु महर्षि गए और कहा कि मैं तत्क्षण मिलना चाहता हूँ शिव जी और पार्वती को, उसी क्षण मिलना चाहता हूँ। तो नंदीश्वर ने अड़ा करके कहा नहीं, वो एकांत में बैठे हुए। नंदीश्वर को उन्होंने तीन बार कहा मुझे छोड़ेगा या मैं जाऊं, मुझे छोड़ेगा या मैं जाऊं। जब नंदीश्वर ने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा तो जिस प्रकार तू आज मैं नहीं छोड़ रहा है अंदर माता शिवजी और पार्वती के पास, तुझे भी कल के दिन कोई तुझे अंदर नहीं छोड़ेगा, तू कभी भी शिव मंदिर के बाहर ही बैठेगा, मैं श्राप दे देता हूं। आज देखते हैं आपके नंदीश्वर बाहर हुए। बाद में धनाम के साथ दरवाजा खुले और अंदर गए तो शिवजी और पार्वती अपने पति पत्नी के अलिंगन अवस्था में बैठे हुए थे। तो शिव जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि तुझे ये ऋषि है या क्या है, पति पत्नी जहां एक जगह बैठे हुए हो और तू इसी समय में इस तरह आता है। भृगु महर्षि हंसे क्योंकि उनके पास सारे ऋषियों की तपस्या थी, जाज्वल्यमान थे, हजार सूर्यों का की उजाला उनके मुख पर था। उन्होंने कहा तुम क्या शिव पार्वती हो जो अर्थ त्राण होकर एक आदमी दुख के कारण तुम्हारे द्वार पर आ जाए तो तुम आलिंगन लेके बैठते हो और उसके ऋषि के बारे में नहीं देखते हो, तुम जिस आलिंगन से बैठे हो उसी लिंग की तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी मूर्ति की पूजा नहीं होगी, ऐसे श्राप दे दिया शिव जी को। और हम देखते हैं कि शिव जी लिंग रूप में ही पूजक हैं, हम पूजा करते हैं। उसके बाद विष्णु लोक वैकुंठ को गए, वैकुंठ को गए तो माँ लक्ष्मी पांव दबाते बैठी हुई थी और विष्णु सोए हुए थे।
विष्णु ध्यानमग्न होकर सो रहे थे, उतने में द्वारपाल जय विजय देखे, उनको पता चला कि कैलाश में ये घटना घटी है, नंदीश्वर बाहर हो गए हैं, कहीं हमारी हालत ऐसी हो न जाए। आते ही भृगु महर्षि को नमस्कार करे, बोले दरवाजा खुला है, जो भी है आप अंदर चले। भृगु महर्षि अंदर चले गए जैसा ही चाहे थे, विष्णु भगवान ध्यान मग्न थे, एक मिनट खड़े रहे। माँ लक्ष्मी पांव दबाते हुए देख रही थी भृगु महर्षि को, जज्वल्यमान ऋषि बहुत एकदम क्रोधी इसमें बहुत इसके साथ बैठे थे। उन्होंने भगवान विष्णु को पुकारा, मैं भृगु महर्षि मर्त्यलोक से आया हूँ, मृत्युलोक से आया हूँ। ध्यान मग्न विष्णु नहीं देखे, नंबर दो बार पूछा, देख नहीं देखे, तीसरी बार उन्होंने उठाई लात और जो भगवान विष्णु को मार दी जोरों के साथ। लात मारते ही भगवान विष्णु अपने ध्यान से बाहर आए और उन्हें जैसे ही भृगु महर्षि को देखा, अरे अरे महर्षि आप ऐसा कैसे कब आए, ये देखता हूं कि तुम्हारे पांव को कहीं दर्द तो नहीं हुआ। उन्होंने पहली बार जीवन में देखा कि जो क्रोध रहित आदमी है, जिसने लात मारने पर भी क्रोध नहीं किया, तो एकदम भगवान विष्णु के चरणों में झुक गए, बोले सारा संसार तुम्हारी पूजा करेगा। और भगवान की विष्णु की हर अवतार में पूजा होती है, ये आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन अपने पति को लात मारे और कोई पत्नी देखते बैठेगी क्या? लक्ष्मी रूठ गई और भगवान विष्णु की इस कथन को देखी और क्या क्या, वो तो भगवान विष्णु उसके पांव दबा रहे थे, उनके तेज के कारण भगवान भृगु महर्षि के पांव में आंखें चले, आंखें आंख आई थी, जिस आंख से पांव की आंख से वो देखते थे, इतनी शरीर में इतनी तेजस्विता थी। और भगवान विष्णु ने उनकी वो पांव वाली आंख को दबा दिया और उनको तेज को कम कर दिया, भृगु महर्षि भी शांत हो गए। लेकिन महालक्ष्मी को ये बात जची नहीं, विष्णु भगवान का भृगु महर्षि के पांव पकड़ना ये उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने विष्णु की तरफ देखा तो वो तो भृगु महर्षि की ही सत्ता से भृगु महर्षि की तारीफ कर रहे थे और भृगु महर्षि उनकी तारीफ कर रहे थे कि तुम्हारे जैसा सहनशील आदमी, तुम्हारे जैसा सहनशील देवता मैंने नहीं देखा, मैं तुम्हें सारे संसार तुम्हें पूजेगा और अपने सारे ऋषियों को ये कहूंगा कि केवल पृथ्वी पर पूजा होगी, मूर्ति की पूजा तो भगवान विष्णु भगवान की पूजा होगी। ये बात ठीक तो लगी लेकिन माँ लक्ष्मी को ये बात जच नहीं रही थी कि उसने लात मारी है, मेरे पति को लात मारी है। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, आपने उसके चरण पकड़ लिए हैं, भृगु महर्षि के चरण पकड़े हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं चाहती हूं कि तुम उसको क्षमा मांगने के लिए कहो, भृगु महर्षि को क्षमा मांगने के लिए कहो और तुम चरण नहीं पकड़े, वो तुम्हारे चरण पकड़े, ये मैं देखना चाहती हूं। लेकिन भृगु महर्षि उतने ही क्रोधित और जाज्वल्यमान ऋषि थे, वो पांव पकड़ने के लिए तैयार नहीं, भगवान विष्णु कुछ कहने के लिए नहीं। माता लक्ष्मी का क्रोध दिन रास्ते में बढ़ते जा रहा था कि पति को लात मारी और देखते रहे, वो भगवान विष्णु को देखते रहे, मैं 5 मिनट का समय दे रही हूं, वो अगर तुम्हारी क्षमा मांगता है तो मैं क्षमा करूंगी, नहीं तो श्राप दे दूंगी। भगवान विष्णु अचंभे में रह गए, अगर ये श्राप देते तो इसने फिर कह दिया कि तुम्हारी पूजा भी नहीं होगी तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। इधर उनको संभालना भृगु महर्षि को भी था और महालक्ष्मी जी को भी संभालना था, तो महालक्ष्मी को कह रहे थे कि तू थोड़ी देर संभल जा, मैं बात कर रहा हूं। महालक्ष्मी और भृगु महर्षि डटे खड़े हुए थे, महालक्ष्मी 5 मिनट देखी और भृगु महर्षि को श्राप दे दिया, खेत विजोत्तम है ब्राह्मण, तुम बहुत घमंडी हो, ज्ञान का तुम्हें बहुत बड़ा गौरव या गर्व है, इस कारण ही तुम देवताओं को किसी को भी नहीं गिनते और लात मारते हो, मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि मैं तुम्हारे पास कभी भी नहीं रहूंगी, ब्राह्मण सारे दरिद्र हो जाएंगे, ऐसा उसने शाप दे दिया। भृगु महर्षि एकदम ठंडे पड़ गए, उन्होंने कहा मेरे इस कारण सभी ऋषियों ने दिया देख के आने के लिए, मैं विष्णु की पूजा बोला, मेरी तरफ से सारे ब्राह्मणों को श्राप, ये कहां से हुई? तो बोली तू क्षमा मांग ले, मैं बोला ये शस्त्र तो लगा के आया हूं कि मैं किसी को क्षमा मांगू तो विष्णु की पूजा नहीं होती, उन्होंने यही कह के बताया कि सहन शक्ति वाले देवता कौन है। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी छोड़ दे, जो कुछ भी हुआ है उसने मेरी मुझे लात मारी है ना, तुझे क्या हो रहा है? तब लक्ष्मी कहते हैं कि हे विष्णु, अगर पार्वती जी को, पार्वती शिव जी के इसमें अर्धांगी है, उनके अर्धांग में बसी है, तो मैं तुम्हारे वक्षस्थल पर बसी हुई हूँ, तुम्हारे हृदय में बसी हुई हूँ और उन्हें उस वक्षस्थल पर ही लात मारी है, मुझे लात मारी, इसलिए मैं उन्हें श्राप दे रही हूँ। भृगु महर्षि ने कहा
प्रभु मैं किस कार्य के लिए आया था और अब मैं क्या कर रहा हूं ये आपको पता है। और इस कारण लक्ष्मी जी कहती है कि मैं तुम्हें क्षमा मांगू, तो मैं क्षमा मांग लेंगे। विष्णु ने कहा क्षमा मत मांगो, रुक जाओ। तो मेरे कारण अगर जिस परीक्षा के लिए आकर मैं तुम्हें पूजनीय बनाता हूं और उस कारण मेरे कारण सारे ब्राह्मण अगर दरिद्री होते हैं तो इसका जिम्मेवार कौन, कौन इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? क्या विष्णु पूजा हम छोड़नी चाहिए? ब्राह्मण तो तुम्हारी पूजा करते हैं, प्रभाव पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा किसके साथ होगी? अब आपको इसका निर्णय लेना है। और मैं ये भी कहता हूं अगर इस शाप का उस शाप नहीं हुआ तो मैं यहां से नहीं जाऊंगा। और ये भी कहता हूं कि मैं जब तक पृथ्वी पर नहीं जाऊंगा तब तक किसी देवता की पूजा नहीं हुई। अब भगवान विष्णु चिंता में पड़ गए कि इस बात को किस तरह हम किस तरह रोका जाए। तब माता लक्ष्मी को रोकने के लिए कहे तो माता लक्ष्मी कहते हैं तुम 5 मिनट में अगर इस ब्राह्मण को बाहर नहीं निकालते इस ऋषि को तो मैं यहां से चली जाऊंगी। और 5 मिनट हो गए, लक्ष्मी माता वहां से चली गई। विष्णु बोले चलो 5 मिनट के लिए तो अच्छा हो गया। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और कहा हे प्रभु तू चिंता मत कर, तू तेरे जीवन में एक भृगु संहिता नाम की संहिता लिख और जो भृगु संहिता में काल और मुहूर्त से मुझे बांधने की क्रिया कर, यानी मुझे बुलाने की क्रिया कर। और मैं तुझे ये वचन देता हूं कि जहां मैं रहता हूं वहां लक्ष्मी जरूर आएगी, आना ही पड़ेगा, पति जहां है वहां पत्नी आएगी आएगी। इसलिए तू भृगु संहिता लिख दे और वह कार्य। और जिस ब्राह्मण के घर में या जिसके घर में भृगु संहिता का पुस्तक रहता है, पूजा में रहता है, वहां मैं निवास करता ही हूं और वहां जरूर लक्ष्मी आएगी, ऐसा उन्होंने वर दे दिया। लेकिन माता लक्ष्मी के मस्तिष्क में एक ही बात बैठी थी कि इस ब्राह्मण ने मेरे पति को लात मारा है। भगवान विष्णु बहुत समझाने के लिए आए, लक्ष्मी माता रूठ कर आ गई। अब आगे का हाल तो आपको पता है, भगवान विष्णु ये ब्राह्मण नीचे आ गया, विष्णु भगवान की पूजा होने लगी लेकिन वैकुंठ खाली था। वैकुंठ में बिना लक्ष्मी के सारी खाली खाली चीजें आने लगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि लक्ष्मी को ढूंढने के लिए तो जाएंगे, कहां गई लक्ष्मी? ढूंढने लगे, लक्ष्मी माता रूठ गई, अगर गया भी तो अभी क्रोधित हो जाएगी। वो पृथ्वी तल पर आए, उन्हें पता चला कि महालक्ष्मी माता कहीं कोल्हापुर में जाकर बसी हुई है और उसके पास में जाता हूं तो अभी क्रोध का कारण बनता है, उसको मनाने के लिए तो बहुत कष्ट होगा। तब भगवान विष्णु भी तपस्या में रत हो गए। वह इस वेंकटाद्री पर्वत पर तपस्या में रत हो गए। बाद में उन्होंने भी तपस्या आरंभ की और अपनी पत्नी को प्राप्त करने की बात देख रहे थे। तब ब्रह्मा और शिव जी दोनों भी गाय और बछड़े का वेष धारण करके, विष्णु भगवान बहुत दिनों से उपवास कर रहे हैं, वो जहां तपस्या कर रहे थे वहां दूध के रूप में बछड़े के रूप में दूध देती थी। लेकिन जिसकी गाय थी उसको पता चला कि मेरी गाय दूध क्यों नहीं दे रही है। वो एक दिन आके देखने लगा कि वो गाय एक गुफा पे आती है और वहां से दूध छोड़ देती है बिना बछड़े के। उसे बहुत गुस्सा आया, बोले यहाँ क्या है जो यहाँ रोज गाय दूध छोड़ती है। उसने उस गुफा को तोड़ने गया तो तब वहां उसमें अंदर उसके अंदर विष्णु भगवान तपस्यारत थे और उसकी कुल्हाड़ी का मार विष्णु भगवान को लगा, विष्णु भगवान का खून बहने लगा। विष्णु भगवान ने उसको देखा, भाई तूने क्यों मारा? ब्रह्मा और उन्हें कहा कि मेरी गाय दूध नहीं देती, तो तेरी गाय आज से दूध ही नहीं देगी। उधर ब्रह्मा और शिव जो बछड़े और गाय के रूप में थे अदृश्य हो गए। अरे मेरी गाय चले गई। तो उसने और भी मारने के लिए गया तो उसने कहा अब आगे मारेगा तो भूत पिशाच हो जाएगा। वो वहीं प्राण छोड़ गया और वो भूत हो गया जो उस गाय और बछड़े का मालिक था। भगवान को भगवान के सर से खून निकल रहा था तो भगवान को उस जमाने में कृष्ण के जमाने में यशोदा जैसी थी वैसी ही यशोदा ने कहा कि मैं अगले जन्म में भी तुम्हारी माँ बनूं। तो बकुला माता के नाम से उस भगवान वेंकटेश्वर जो तिरुपति बालाजी आज के कहलाए जाते हैं वो वहां पृथ्वी तल पर वहां बैठे हुए थे और उनको उनका खून देखकर माता ने कहा कि यहाँ मेरे को तेरे को बांधने के लिए पट्टी बांधने के लिए भी कुछ नहीं है। उसने साड़ी फाड़ी और लगाने गई लेकिन क्या दवाई लगाऊं, कोई पत्ता का उसको ज्ञान नहीं था। तो कभी उसने कहा था कि उसको एक बार खून लगा था तो उसने अपने बालों को लगाकर उस खून को पोंछा था माता बकुला देवी ने। कभी उसको आया कि मेरे खून कम होना है तो मैं मेरे बाल काट कर लगाती हूँ और माता बकुला देवी ने अपने बाल काटे और शिव जी के अपने विष्णु जी के सर पर लगाए जहां घाव लगा और उसको पट्टी बांध दी तो खून रुक गया। तो कहा माता तूने ये क्या किया? नहीं,
बोले तेरा खून रुक जाना चाहिए, मेरा केवल यही मेरी इच्छा थी। आज से माँ मैं ये प्रण करता हूँ कि बालाजी को जो भी बाल देंगे वो बकुला माता के समान हो जाएंगे। और आज देखते हैं कि बालाजी में जाकर सब लोग बाल उतार कर भगवान वेंकटेश्वर देते हैं, केवल बकुला माता के कारण जो बाल समर्पण करते हैं भगवान वेंकटेश्वर उसकी प्रीति कारण लेते हैं, उनको उस दर्द का एहसास नहीं होता और वो उनको अपने मातृपितृ रूप के रूप में देखते हैं। यही कारण है कि उनको बाल अर्पण करने की क्रिया प्रारंभ होगी। इधर भगवान वेंकटेश्वर जी वेंकटेश के नाम से प्रसिद्ध हुए, तो कोल्हापुर की माँ लक्ष्मी माँ रूठी हुई थी। अब ये हुआ कि ये जो तपस्या रहे थे, माता को पता चला, नारद जी आते आते बोले, अरे माँ तू यहाँ बैठी हुई है, भगवान विष्णु कहाँ है? मैं वैकुंठ से आ रहा हूँ। बोले वो तो कभी झगड़ा लगाने में नंबर वन थे। तो माता लक्ष्मी ने कहा, क्या वैकुंठ में नहीं है, कहाँ गए? बोले मुझे भी पता नहीं, मुझे क्या पता है, मैं जैसा ढूंढा मुझे पता चला कि तुम यहाँ हो तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ, भगवान विष्णु का पता नहीं है। बोले अब चिंतित हो गई, अरे जाके शिव जी से तो पूछ कहाँ गए, कैलाश में होंगे ब्रह्मा के पास होंगे। बोले वहां दोनों जगह जाके आए, वहां नहीं। शिव जी का ध्यान करने गई तो शिव जी को और शिव जी भी नहीं मिल रहे महालक्ष्मी को। अब बोले ये तो भगवान विष्णु के गुरु शिव, शिव के गुरु विष्णु, अब गुरु को ही मांगना पड़ेगा कि मेरा पति कहाँ है इसको देखने के लिए। तब तक भगवान बालाजी विष्णु रूप में वो तपस्या रहते, वह महालक्ष्मी अपने सर पर शिव जी के शिवलिंग को रखकर बेल की झाड़ के नीचे तपस्या करने लगी। भगवान शिव प्रसन्न हुए और कहा कि क्या बेटा तुम मुझे क्यों प्रार्थना कर रही? बोले मेरे पति कहाँ है, ब्रह्मांड में नहीं दिख रहे, कहाँ है आप कुछ उसका पता वगैरह है? तो कहा लोक कल्याणार्थ तेरे पति को इस जन्म में तो वो तपस्या रहते, तू ही रूठ के आई थी, तुझे कितना मनाने पर भी तू उनके पास नहीं गई। नहीं नहीं मैं अभी जाने के लिए तैयार हूँ। तू जाने के लिए तैयार है लेकिन वहां तेरे अंश से तेरे पति ने दूसरी को शादी कर ली। आए वो बोले वो कैसा? वो पूरे जन्म में उसने ऐसा ही मांगा था कि मेरी शादी तेरे साथ होनी चाहिए, उसके साथ शादी हो गई। आए देखते क्या है कि भगवान वेंकटेश्वर की शादी पद्मावती से हो गई, जो पद्मावती देवी गत जन्म में राम के अवतार में मांगी थी कि मैं तुम्हारी वेदवती थी, उसने मांगा था कि मैं तुम्हें पत्नी रूप में तुम्हारी पत्नी बनकर रहना चाहती हूँ, लेकिन रामचंद्र ने कहा मैं इस जन्म में एक पत्नी व्रत हूँ, ये तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, मैं अगले कलयुग में तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। और वो उन्होंने चांस ले लिया, पद्मावती की शादी भगवान वेंकटेश्वर से हो गई। और जब महालक्ष्मी आई तो पद्मावती खड़ी हुई थी, ये देखकर लक्ष्मी ने कहा आप क्या कहते हैं? बोले आ तू भी रेडी है यहाँ बैठ जा, तू भी दूसरी पत्नी के रूप में। दूसरी पत्नी क्यों? पहली पत्नी तो मैं हूँ, दूसरी पत्नी के रूप में मैं क्यों आऊंगी, मैं तो पहली पत्नी के रूप में आऊंगी। और महालक्ष्मी ने कहा ठीक है, जो भी हुआ हुआ, इस जन्म में मैं तुम्हारे से दूरी रहूंगी तो पद्मावती के साथ रहो। और महालक्ष्मी कोल्हापुर में रहेगी और भगवान वेंकटेश्वर ने पद्मावती की शादी कर लेकर वे इस आज जो पहाड़ है वेंकटाद्री पर्वत कहा जाता है वहां उनका निवास हुआ। महालक्ष्मी वहां कोल्हापुर में रहने लगी और उन्होंने अपनी महिमा बताई। लेकिन ये सब होते हुए भी महालक्ष्मी के जीवन में एक बात हर बार कचोटती थी कि भृगु ने लात मारी, ये बात उसके दिल से जाती ही नहीं थी। और यहाँ रहने के बाद भृगु भी वहां से उतर के पृथ्वी पर आ गए थे और आए आए भी तो कहाँ आए, बस गुजरात के नर्मदा तट पर आए। आपको पता है यहाँ के ब्राह्मणों का हाल क्या है, मैं इसलिए बता रहा था कि वे धनवान होने की बात ही नहीं। भृगु महर्षि का जितना क्षेत्र था वहां लक्ष्मी नहीं थी। भृगु महर्षि चिंतित हो गए और बहुत उनको चिंता लगी कि साला ऐसी जिंदगी कब देगी, कब तक जिएंगे, यहाँ पानी पीने को मिलता है ना पत्ते खा के, कोई ऐश्वर्य नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, किस तरह हो। वो बहुत दिनों से फिर बोले कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तपस्या उन्होंने भगवान विष्णु की, लेकिन भगवान विष्णु बोले पहले एक बार वर दिया हूं यार, दूसरी बार वर देने जाऊंगा तो और लक्ष्मी रोड़ जाएगी। भगवान विष्णु आने से रहे, अभी आने वाले कौन? ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, छठवें पुत्र थे भृगु महर्षि, उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और कहा प्रभु ये क्या जिंदगी है, कैसे जिए हम, इतनी गरीबी की जिंदगी में कैसे जिए, क्या कहें, अब कुछ ना कुछ मार्ग तो बताओ। बोले ये काम मेरे बस का नहीं, तुम शिवजी से पूछ लो। उन्होंने शिवजी की तपस्या की, शिवजी से प्रार्थना की कि क्या करने से इस भृगु क्षेत्र में लक्ष्मी का वास ही नहीं है और यहाँ सब लोग इवन पशु पक्षी भी
यहाँ पत्ते खाकर पानी पीकर जीते हैं, इस तरह का स्थिति रही तो किस तरह क्या क्या करना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। तब शिव जी ने कहा, हे प्रभु मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, लेकिन इस आशीर्वाद देने से पहले तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूं कि तुम अगर माता पार्वती को तुम अगर प्रसन्न कर ले सकते हो तो तुम्हें फिर ऐश्वर्य प्रदान करने का कार्य मैं कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा, वो भी मार्ग बताओ, माता पार्वती को प्रसन्न किस तरह किया जाता है। शिव जी ने कहा, यहां से थोड़ी दूर पर दशाश्वमेध नाम का एक घाट है नर्मदा के किनारे, वहां जा और वहां जाकर तू माता पार्वती के बारे में तपस्या कर। उसने कहा, प्रभु भूख से एकदम पेट अंदर चले गया है, इतनी गरीबी, वहां तक चल भी सकता हूं या नहीं? बोले, तू वहां जाकर साधना तो कर, माता पार्वती तुझे प्रसन्न हो जाएगी। दशाश्वमेध घाट के पास आया, उन्होंने देखा, फिर यहाँ और मैं जहां रहता हूं वहां में फर्क क्या? ये भी नर्मदा का किनारा है, वो भी नर्मदा का किनारा है, शिव जी ने यहाँ किस लिए भेजा? और वो शिव जी और पार्वती की तरफ देखने लगे। 1000 वर्ष हो गए तपस्या करते हुए, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो प्रार्थना करने लगे, प्रभु यहाँ किस लिए भेजा? यहाँ वही हाल है जो पहले हाल था। तो शिव जी और पार्वती ऊपर से जा रहे थे, तो पार्वती ने देखा, ये क्या है? बोले, एक आदमी इतना सूखा हुआ, केवल उसके उस सांप के बिल जैसे इसमें से एकदम उजाला आ रहा है, यहाँ क्या है? तो बोले, इस चमत्कार को भी बताता हूँ पार्वती, इसीलिए तुझे लेकर आ रहा था। और शोभारूढ़ होकर आ रहे थे माता पार्वती और शिव जी, वहां उन्होंने देखा कि कुछ उजाला एक बांबी से उजाला आ रहा है, जिस सांप की बांबी होती है उसमें से। तो कहा कि यहाँ भृगु नाम का महर्षि तेरे लिए तपस्या कर रहा है। मेरे लिए? हाँ। तो फिर क्यों प्रसन्न क्यों नहीं होते आप? कैसे प्रसन्न हो? बोले, उसको मैंने आज साल तक कितने साल से देखा है, बहुत गुस्सा है वो, ब्राह्मण रहने के कारण, उसमें सारे ऋषियों की तपस्या रहने के कारण, वेद आदि रहने के कारण उसमें बहुत गुस्सा है। और उन्होंने बोले, ब्राह्मण के साथ भी और जिसके साथ भी, जिसको क्रोध हो ब्राह्मण को, उसके पास लक्ष्मी नहीं रहती, और उसका क्रोध जब तक नहीं जाता तब तक तू भी प्रसन्न नहीं होती, न लक्ष्मी भी प्रसन्न नहीं होती, फिर क्या करना चाहिए? माता पार्वती का 1000 वर्षों से तपस्या कर रहा है और आपकी भी क्या, तो उसके क्रोध के कारण उसको ऐसा ही छोड़ देंगे, अपना जर्जर शरीर कर लिया, कभी आपको दया भी नहीं आती? अच्छा, ये बात है, मैं बोले तुझे सुने समझ में नहीं आता, मैं तुझे बताता हूँ क्या करना है। उन्होंने कहा, गए उस बॉम्बी के पास और शिव जी एक बहुत ही गरीब वेश में, ब्राह्मण के वेश में गए और उस बॉम्बी को हिलाया, उन्होंने हिलाकर निकाले तो उसमें से भृगु महर्षि निकले। बोले, कौन है आप? बोले, मैं कौन हूं? मैं एक गरीब ब्राह्मण, क्या चाहिए, किस लिए मेरी तपस्या भंग करने के लिए आप किस लिए आए? आप तपस्या कर रहे थे, मुझे क्या मालूम? उन्होंने क्या किया, वो ब्राह्मण ने, दोनों में आना कानी हो, दोनों में बात बात चल रही थी, शिव जी के अपने गरीब वेश के रूप में ब्राह्मण थे तो उनकी बात चल रही थी, तो शिव जी ने क्या किया, बैठे बैठे नहीं, बात बात इतनी बड़ी कि एक पत्थर उठा के भृगु महर्षि को मार दिया। अब भृगु महर्षि को गुस्सा तो पारावार था, वो तो गुस्सा चढ़ाई चढ़ा, शिव भाग भृगु महर्षि भाग, भागने लगे, 7 लोक भागते रहे दोनों, एक के पीछे एक, माता पार्वती देखते रही कि क्या हो रहा है, ये क्रोध छोड़ने की बात छोड़ता ही नहीं भृगु महर्षि, छोड़ दे क्या, जाने दो, पत्थर आया भाई, कोई दूसरा होता तो जाने दो, क्या लोग घूमना है, खाली बैठ जाते। लेकिन वो तो घूमते घूमते रहा, छूटने का कोई आसरा ही नहीं, जैसा ही इधर उधर घूम फिर के आया तो देखा कि एक जगह माता पार्वती बैठी हुई है। भृगु महर्षि आए और उनकी शरण में बैठ गए, बोल के बोले, माता जी कम से कम आप दिखी, शिव ब्रह्मा विष्णु सब गायब है, मेरे कोई रक्षा करने वाले नहीं है, आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा करो। माता ने कहा, तू क्यों घूम क्यों रहा है? अरे क्या बताऊ माँ, जहां बैठता हूँ कोई ना कोई छेड़ देता है, गुस्से को लाता है, क्रोध आता है मेरे को, उसको मार दिया, वो मेरे पीछे पड़ा, वो भाग रहा है, मैं भाग रहा हूँ, उसको एक बार पकड़ के एक बार तो शिक्षा तो जरूर देनी है। अब माता पार्वती को रखी, यही बात तू छोड़ती, जब तक ये छोड़ता नहीं तो कभी भी तेरा काम नहीं होता। बोले, क्यों? अरे वो और कोई नहीं, साक्षात शिव है, यही बताना चाहते हैं कि तू क्रोधी आदमी है, अगर मैं आज तेरा काम ना करूं तो तू मेरे पीछे भी पड़ जाएगा। जब प्रभु जी को पता चला कि ब्राह्मण में क्रोध होना ठीक नहीं, और ने कहा कि माता आज से क्रोध नहीं करूंगा, तुम्हारे चरणों में नमस्कार करता हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि तेरे क्रोध को निवारण करने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले शिव जी को बुलाओ।
बोले शिव जी उसके सामने आ गया तो उसको गुस्सा फिर चढ़ जाएगा। लेकिन शिव जी अपने रूप धारण करके आए, बोले क्या प्रभु कैसे हैं, क्या प्रभु ये भी कोई परीक्षा की वेला हुई, 1000 साल हुए यहाँ प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तुम्हारी तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझ पर प्रसन्न नहीं होते, आज प्रसन्न होकर आए हैं तो मुझे ये बता दो कि ये दरिद्रता कब तक चलेगी, कोई ना कोई मार्ग तो बताओ। शिव जी ने कहा कि आज माता पार्वती आई है, अगर माता पार्वती ही तुझे देख रही थी, अगर तू उस इनके ऊपर प्रसन्न है तो ये सारे कार्य हो जाएंगे। प्रभु अच्छी तरह वहां बैठा था दूसरे गांव या दशाश्रम में घाट पे लेके आए और मुझे यहाँ आकर 1000 साल तपस्या होने के बाद अभी कहीं भेजने की बात तो मत करो, तुम्हें प्राण पड़ता हूँ, तुम्हारे मार्ग बता दो कि मैं कैसे धनवान हो जाऊंगा। तब माता पार्वती ने कहा कि शिव जी बार बार आप कह रहे हैं कि दशाश्रम में घाट नर्मदा के किनारे, इसकी श्रेष्ठता क्या है? तो उन्होंने कहा यहाँ कितना ब्रह्म हत्यारा भी यहाँ अगर पितृतर्पण करता है या देवताओं को एक बार भी एक ब्राह्मण को भोजन डालता है और उसको लवण अगर दान देता है, नमक अगर दान देता है तो उसके पितर तृप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि पितरों को पहले लवण नहीं डालते, नमक नहीं डालते, लेकिन पितरों को वहां लवण अगर नमक दी जाए तो पितर तृप्त हो जाते हैं। तो इस लवण का दान यहाँ जो करता है उसको भोजन देता है तो उसके पितर तृप्त हो जाते हैं और उसका भाग्य बढ़ जाता है। वो लवण दानने से, लवण में माता लक्ष्मी का स्थान भी है कहते हैं, जैसे शक्कर में माता पार्वती के गणेश जी का गुड़ में स्थान है वैसे उसमें कहा गया है। तो लक्ष्मण अगर लवण से प्रीति हो जाती है या उनके और भी लक्ष्मी के स्थान जिसमें जिसमें बैठे हुए हैं, बिल्व पत्र है, बिल्वा का फल है, तुलसी है, इन सारे चीजों में जैसे जैसे उनका स्थान है उसको प्रीति कर करके काम किया जाता है तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, उसमें भगवान विष्णु भी स्थित है। तब शिव जी को कहा कि इसकी श्रेष्ठता बताओ। मैं बोले भृगु महर्षि यहाँ इतने विद्वान होकर भी आज तक इस दशाश्वमेध घाट का की श्रेष्ठता नहीं जान सके। बोले आप बताओ कैसे हैं? मैं बताता हूं तुझे। बोले फिर शिवजी ने एक गरीब ब्राह्मण का वेश धारण किया और गए और एक जगह पानी में खड़े हो गए। पानी में खड़े होकर वो थर थर कांप रहे थे, नर्मदा के बीच में बैठे हुए, तो वहां से बहुत सारे ब्राह्मण जा रहे थे। बोले ब्राह्मण तू पानी में खड़े रहकर क्या कर रहा है? अरे अभी डूब रहा हूँ, पानी आ रहा है ऊपर, फिर ऊपर आ जा। नहीं नहीं यार, मैं शापग्रस्त हूं, जिसने अश्वमेध यज्ञ जिस ब्राह्मण ने किया हो वही मुझे हाथ लगाकर ऊपर ले जाए, वो मुझे ही बचा सकता है। सारे ब्राह्मण आते थे, देखते थे अश्वमेध यज्ञ हमने कहाँ किया, नहीं किया, क्षत्रिय आए, वैश्य आए, शूद्र आए, जो भी अश्वमेध यज्ञ किया है वो मेरा हाथ लगाए और ले जाए, ऐसा वो कहने लगे। सभी लोग आए चले गए, ये सारी चीजें क्रिया भृगु महर्षि और माता पार्वती देख रहे थे। आखिर में एक शूद्र जाति वाला जा रहा था, जाते जाते उसने देखा कि भाई क्यों इतने पानी में ऐसा इस तरह बैठे हुए हो? बोले तू तो शूद्र है, जानता है यहां से अच्छे अच्छे ब्राह्मण विद्वान आकर चले गए, वो कुछ नहीं कर सके, तू क्या करेगा? नहीं बोलो तो सही, किस बार किस लिए आप यहां हो? अरे जिसने अश्वमेध यज्ञ किया है वो आकर मेरा हाथ पकड़ने लेके, मैं कह रहा हूं, और कोई भी आए कोई भी हाथ देने के लिए तैयार नहीं। उस श्रुति ने देखा ये बात है, अब बस 10 मिनट ठहर जाओ, मैं अभी आया। बोले 10 मिनट में क्या करेगा? आप बैठ जाओ, मैं अभी आया। वो गया नर्मदा के किनारे, आया जहां दशाश्वमेध घाट के नर्मदा में आया, अच्छी तरह नहा लिया, वहां पितरों को और एक को भोजन दे दिया और लवण का दान कर दिया, नमक का दान किया और भागते हुए आया। चलो हाथ दे दो, आप आ जाओ ऊपर। बोले 10 मिनट में तेरी दशाश्वमेध यज्ञ हो गया क्या? आप आ तो जाओ, मैं हाथ दे रहा हूं। बोले आप आ जाओ। पार्वती और भृगु महर्षि देख रहे थे ये क्या कर रहा है। शिव जी ने उसको हाथ दे दिया और वो जैसा है ऊपर खींचे आ गए। अरे ये रहस्य तो बता, क्या बात है तुम्हें? बोले मेरे गुरु ब्राह्मण थे, एक ब्राह्मण, उसने कहा दशाश्वमेध घाट पर जो स्नान करके नमक दान देता है, पितरों को देता है, उसको अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य मिलता है। मैंने 10 मिनट में करके आ गया हूं, मैं दिया। तब शिवजी ने कहा कि देख आज तक इतने ब्राह्मण यहाँ के नहा के गए, किसी को भरोसा नहीं था कि अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य यहाँ मिलता है। ये शूद्र होने पर भी अपने गुरु के वचन पर ध्यान रखकर उसने स्नान किया और दिया। यही बात मैं भृगु को समझा रहा था और भृगु नहीं समझ रहा था। यहाँ स्नान करने से 10 गुना पुण्य मिलता है और अश्वमेध यज्ञ जो करता है वहां उसके घर में तो लक्ष्मी का वास होता ही होता है। ये बात वो नहीं समझ सका, इसलिए मुझे ये सारा नाटक करना पड़ा। तब
भृगु महर्षि ने देखकर गलती हो गई, ऐसा शिव जी से मांगा। उसके बाद भृगु संहिता लिखी गई। तो शिव पार्वती दोनों को देखकर कहा, मां मेरा जैसा आदमी अगर मूढ़ आदमी बनकर अश्वमेध यज्ञ या नर्मदा का इस किनारे को यहाँ नहीं देखा है, यहाँ इतनी सिद्धि मिलने वाली चीज है, यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर महालक्ष्मी सभी कोई सिद्ध हो जाते हैं, तो ये आशीर्वाद दो कि आपको मैं इसी रूप में यही देखना चाहता हूँ। आप ये सिद्धि सभी को प्रदान करें जो यहाँ साधनारत है। तब शिवजी ने कहा, भृगु तथास्तु एवमस्तु का कह दिया, और मैं हर यानी महादेव और मैं पार्वती सिद्धि प्रदान करने वाली देवी के रूप में यहाँ रहती हूँ, और उसे हर सिद्धि माता का भी हर और सिद्धि वहां रहते हैं। इसलिए अगर हम कल वहां जाकर मंगलाष्टक से हर सिद्धि माता के पास दान पुण्य का काम, नमक मंगलाष्टक में कुमकुम चूड़ियां लाल वस्त्र जो भी स्त्रियों को देता है, वो अगर 8 सुहागनों को दान दिया जाता है वहां के पुजारी के साथ, तो वह हम कितने भी दरिद्र हो अपना दुर्भाग्य भी हो सौभाग्य में बदलने की क्रिया हर सिद्धि माता प्रदान करती है। इस तरह हर सिद्धि माता का चरित्र हुआ। क्या निरंजन जी? नहीं भाई, आप भी बताए, गुजरात वाले बताना चाहिए मुझे, मैं वहां से आकर क्या बताने का। क्या ये कहानी आपको मालूम है क्या? हर सिद्धि को ये कर देती है। हाँ, तो वहाँ हर सिद्धि माता के पास कोल कल कौन मंगलाष्टक के साथ दान देता है पुजारी को, उसके ऊपर दक्षिणा, उसमें 8 वस्तुएं लिखी हुई है, लाल वस्त्र पर रखकर 8 सुहागनों को दान देता है, तो उसकी कितनी भी दरिद्रता हो चली जाती है, और उसका उसकी जो भी इच्छा है वो इच्छा पूर्ण होती है, ऐसा हर सिद्धि माता के पास कहा गया है। और जब ये हर सिद्धि माता के पास ये सारी चीजें हो गई, भृगु महर्षि नमस्कार करके जाने लगे, तो उतने देखते क्या है कि आगे आते आते एक कुत्ता उनके पीछे पड़ गया। वो कुत्ते को देखे तो उनको गुस्सा आया, और एकदम उठा के मारने गए, लेकिन फिर याद आया गुस्सा आते ही सारे सिद्धि चली जाएगी, और सड़न उन्होंने याद किया, प्रभु ये गुस्सा छूट नहीं रहा है, इसके लिए क्या करना है? तो बोले तेरे माँ की गोद में चली जा। माँ कहाँ है? तो कहा कि माँ यहां से 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की दूर पर नर्मदा के किनारे बैठी हुई है, ललिता यानी लालित्य करने वाली, लालित्य यानी माँ जैसे अपने गोद में लेकर बच्चों को सुलाती है कहती है, उसे ललिता कहा गया है, वो वहां बैठी हुई है, तू उनकी गोद में जाकर तू एक बार पूजा तो कर ले, तेरा गुस्सा चला जाएगा। और भृगु महर्षि वहां से गए और माता ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना करने के लिए गए, और उस ललिता त्रिपुर सुंदरी के पास जाकर वह जब नमस्कार करने लगे, तो देखते क्या है कि वहां महालक्ष्मी महासरस्वती और महाकाली के रूप में तीनों भी वहां पूजा कर रहे हैं, मंगलाष्टक कर रहे हैं, और तीनों भी उस त्रिपुर सुंदरी देवता की पूजा कर रहे हैं। उन्होंने उस पूजा को देखा कि यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से स्वतः महर्षि महासरस्वती महाकाली आए हुए यहाँ पूजा संपन्न कर रहे हैं। बोले माँ आप यहाँ क्या कहाँ आ गए हैं? तो उन्होंने कहा हम एक बार गुस्सा करने के कारण ही अनुसुईया माता से हार गए थे भैया, इसलिए फिर गुस्सा ना आए, इसलिए इस माता के पास सौभाग्य सुंदरी के पास इसे जो सौभाग्य प्रदान करने वाली है, हमारे सौभाग्य को हमारे को लौटा दिया था ब्रह्मा विष्णु अनुसुईया माता के पास से, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को जो अपने बच्चे बनकर पालने में झुला रही थी, हमने उसे उनको प्रार्थना करनी पड़ी, तब उस ललिता माता ने हमें ये फिर हमें जो सौभाग्य प्रदान किया वो प्रदान करने के लिए हमें फिर वो गुस्सा ना आए और हम सौभाग्य से के साथ रहे, इसलिए हम इस माता सुंदरी के पास पूजा करने के लिए आए हैं। ये बात कहते हुए उन्होंने पूजा की तो कहा कि माँ क्या मुझे भी चांस मिल जाएगा? तो बोले जो पूजा हम कर रहे हैं वो पूजा आप भी कर सको, आप भी करो तो ठीक है। तब उस पूजा को करने के बाद माता महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली ने और अनुसुईया माता ने जो मंत्र दिया था सौभाग्य सुंदरी के पास, जो वो मंत्र को करता है एक माला जब भी कर ले और वहां का दान श्रेष्ठ है वो दान करता है, तो उसके जीवन में क्रोध नहीं होता, जिसके पास क्रोध मत्सर आदि नहीं होते उसका जीवन सुखी होता है, शायद ऐसा ही होता है ना। मुझे सभी लोग पूछते हैं कि क्या निरंजन जी, सभी लोग पूछते हैं कि काशी में जाकर कुछ ना कुछ पितर मर गए तो एक वस्तु छोड़नी चाहिए, गया में गए कुछ वस्तु, मैं बोला कुछ वस्तु ना छोड़ो, एक वचन दो मेरे को आपकी आपका क्रोध छोड़ देंगे, गुस्सा छोड़ देंगे। ये बोले आज तक गुरु जी ये नहीं हुआ हमारे से, बाकी सब छोड़ सकते हैं, लहसुन छोड़ेंगे बैंगन छोड़ेंगे लेकिन क्रोध नहीं छोड़ सकते। तो जिसने उस चीज को छोड़ा वह इस चीज को प्राप्त किया। तो कल ऐसे ही हम सौभाग्य सुंदरी देवी
और हर सिद्धि माता के दर्शन के लिए कल जा रहे हैं। वहां हम उस देवी को प्रत्यक्ष करने के लिए, जिस प्रकार भृगु महर्षि भी असौभाग्यवान हुए और वहां जाने के दर्शन देने के बाद आज भृगु महर्षि का नाम भृगु संहिता के साथ लिया जाता है, उसके बाद में जब ललिता त्रिपुर सुंदरी के पास भृगु महर्षि सर झुकाकर कह रहे थे और महालक्ष्मी वहीं थी पूजा कर रही थी, बोले माँ मेरे से कितने दिन रूठ के रहोगी, कभी हमारी तरफ तो देखो। तब भृगु महर्षि को महालक्ष्मी ने कहा ये मुझे वचन दे दे कि सभी में तू ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को देखता है, जात पात का ना भेद देखते हुए भृगु संहिता सभी के लिए अगर लिखता है तो मैं तेरे साथ आऊंगी। तब उन्होंने कहा कि माँ ये बात बताओ कि मेरे साथ लक्ष्मी माँ कभी ना छूटे, ऐसा कोई मार्ग बताओ। तो मैं बोली जिस ललिता त्रिपुर सुंदरी सौभाग्य सुंदरी की मैं आराधना कर रही हूँ, हे भृगु महर्षि तुम भी उसकी साधना करो। और जैसा ही सौभाग्य सुंदरी की साधना भृगु महर्षि ने की और नमस्कार किया और कहा कि महालक्ष्मी मेरे पास से कभी न जाए, ऐसा वरदान दो माँ, ऐसा आशीर्वाद दो, उन्होंने कहा। तो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी कहती है जब तक तू क्रोध नहीं करेगा मैं वचन देती हूँ कि लक्ष्मी तेरे साथ रहेगी और वह तेरे घर में बेटी के रूप में कहेगी। वही भृगु महर्षि की पुत्री के रूप में लक्ष्मी वहां आई और माँ लक्ष्मी को भार्गवी कहा गया, इसीलिए भृगुवार यानी शुक्रवार के दिन लक्ष्मी भृगु महर्षि की बेटी बनकर उनके घर में रही और भृगु महर्षि महान ये हुए। और उन्होंने कहा कि मैं केवल भृगु संहिता ब्राह्मणों के लिए नहीं सभी के लिए लिखता हूँ, और वो भृगु संहिता जिसके घर में भी होती है वहां उस घर में महालक्ष्मी का वास होता है, यह कहते हुए उस भृगु संहिता की रचना की और महालक्ष्मी उस दिन से बेटी बनकर भृगु महर्षि के पास रहने लगी। यह ललिता सौभाग्य सुंदरी की आराधना हुई, लेकिन कैसा भी बोलो कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी, अभी नहीं कहना चाहिए महर्षि, लेकिन फिर भी आप गुस्से की बात अगर हम कह दें तो हुआ ये कि महालक्ष्मी माता सौभाग्य सुंदरी के पास भृगु महर्षि साधना कर रहे थे, लक्ष्मी उनके घर में खेल रही थी। तो एक दिन लक्ष्मी माता ने कहा हे भृगु मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारा क्षेत्र तो मेरा है, मैं तेरे मुझे तुझे देके जा रही हूँ, मैं कुछ दिन के लिए मेरे पति को मिलने के लिए जा रही हूँ, विष्णु वैकुंठ जा रही हूँ, तो इसको संभाल लेना, अच्छी तरह देख लेना, सारा ऐश्वर्य यहाँ पड़ा हुआ है, सोना गहने ऐश्वर्य दूध दही सब कुछ पड़ा हुआ है, तो उसे देख लेना। भृगु आप बेफिक्र रहिए माँ मैं सब देख लेता हूँ। महालक्ष्मी चली गई, कोई 10-15 साल के बाद महालक्ष्मी को याद आई और आने के लिए तैयार हुई। कहाँ सौभाग्य सुंदरी, महालक्ष्मी लौट के आई, तब तक भृगु महर्षि बहुत संपन्नवान पुत्र पोत्रों के साथ सब कुछ कर रहे थे। और जैसा ही महालक्ष्मी आके सामने खड़े होगी, भृगु मैं आ गई हूँ, अब वो सब ताले वगैरह मेरे को दे दे, कौन से ताले कौन सा घर ये सब अब मेरा है, 12 साल हो गए रह रहा हूँ, एडवर्स पोजिशन हो गया है बोलते। आप महालक्ष्मी को आया फिर गुस्सा, अरे मैं तेरे को देखी गई, मैं सब बोली। भृगु महर्षि को लगा कि फिर अगर आ गई तो फिर अपना बड़प्पन चलाएगी, आज तक तो 12 साल तक तो मैं ही राज्य करता रहा, सब लोग मेरी बात मानते थे, फिर आ गई तो फिर ये सारी चीजें हो जाएगी। और उन्होंने महालक्ष्मी को जैसा ही इस तिरस्कार रुष्टि से ये बात कही और कहने लगे कि ऐसा हो रहा है, तब ललिता त्रिपुर सुंदरी के पास दोनों गए और महालक्ष्मी ने कहा कि देख ये फिर गुस्सा कर रहा है, तब उन्हें याद आया और सौभाग्य सुंदरी के पास उन्होंने ये कसम खाई कि मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा, माँ तू मेरे पास ही नहीं जाना और ये सारा लक्ष्मी का स्थान तुझे दे रहा हूँ। तब माता ने कहा कि मेरे को इस स्थान से कोई जरूरी नहीं है, मैं तो वैकुंठ में मेरे विष्णु के पास ही रहूंगी, लेकिन मैं तेरा ही उद्धार करने के लिए इस क्षेत्र में आई थी, तूने ऐसी बात कह दी, इसलिए मैं कहती हूँ कि यहाँ ललिता त्रिपुर सुंदरी या सौभाग्य सुंदरी के पास जो भी आकर क्रोध करता है मैं उसके घर में कभी नहीं रहूंगी। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि सौभाग्य सुंदरी के उस क्षेत्र में क्रोध भैरव नाम के भैरव है, हर नॉर्मल साधारण आदमी जिसको गुरु नहीं होता उसको क्रोध जरूर आता है। अब इस बात को आप कल देख लेना है कि जो गुरु भक्त है उसे क्रोध नहीं आएगा और जो गुरु भक्त नहीं है उसे क्रोध आएगा, तो लक्ष्मी रूठेगी। इस बात का लक्ष्य देते हुए सौभाग्य सुंदरी की पूजा करनी है। इस बात को देखकर हमें सौभाग्य सुंदरी के पास भृगु महर्षि को जिस प्रकार माता लक्ष्मी ने कृपा करते हुए कहा था कि जो सौभाग्य सुंदरी की पूजा करते हुए बिना क्रोध के यहाँ मेरे को तृप्त करता है, यहाँ मुझे मंगलाष्टक देता है और माता की पूजा करते हुए विशेष मंत्र से मेरी आराधना करता है, तब भृगु महर्षि ने कहा था कि
कि इस मंत्र से मैं तेरी आराधना करूंगा और इस मंत्र से जो भी आकर यहाँ आराधना करेगा तो उसके घर में कभी कमी नहीं होगी, तो उसके घर में माँ बेटी पत्नी सभी रूप में उसमें निवास करोगी, यह वचन दो। और महालक्ष्मी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, ललिता त्रिपुर सुंदरी ने आशीर्वाद दिया था कि इस मंत्र से जो भी मेरी पूजा यहाँ सौभाग्य सुंदरी में करेगा और 8 पदार्थों के साथ मेरी पूजा करने वाला साधक उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। और महालक्ष्मी उस घर में बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में और ऐश्वर्या प्रिया के रूप में मैं उस घर में वास करूंगी, ऐसा सौभाग्य सुंदरी में माता ने आशीर्वाद दिया है। हम कल गुजरात के साधकों की ओर से इन दो श्रेष्ठ स्थलों में कल दर्शन के लिए जा रहे हैं। वहां का मंत्र, वहां का यंत्र तुम्हारे जीवन में, अगर कहीं तुम्हें लगता है कि हमारे जीवन में कोई कमी है, पैसा ऐश्वर्य नहीं है, तो ये कल दोनों भी क्षेत्र जो मैंने आज बताए हैं, हर सिद्धि माता का और सौभाग्य सुंदरी का, वहां केवल एक एक माला जप करते हुए उस यंत्र की स्थापना हमारे घर में करते हैं, तो हमारे दिलों में, दिमाग में, हमारे शरीर में जो भी दरिद्रता के गुण हैं या जो भी खराब गुण हैं वो सारे गुण चले जाते हैं। और इस प्रभु क्षेत्र में इन दो साधनाओं को वहां वहां जाकर करने वाले साधक लक्ष्मीवान होते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करते हैं। वैसे ही महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, इन तीनों की भी आराध्य देवता ललिता त्रिपुर सुंदरी जिसे सौभाग्य सुंदरी कहा गया है, वह निश्चित रूप से प्रसन्न होकर कहती है कि तुम्हारे घर में महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली तीनों के रूप में आकर मैं निवास करूंगी और उनका वास रहता है। ऐसी मैंने इन दोनों स्थानों की महिमा बतलाई है। अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि गुजरात के कोई साधक और कोई इसमें विशेषता हो तो बताए कि नहीं भाई, सौभाग्य सुंदरी की यहाँ कहाँ क्या किया जाता है और हर सिद्धि माता के पास और कुछ करने की आपकी जानकारी है तो आप भी दें, ऐसा मैं कहता हूँ। देंगे आप? पता है, बोलो, सौभाग्य सुंदरी में क्या क्या किया जाता है? मोबाइल चार्जिंग, सिंगार। तो खाली सिंगार से क्या होगा, सिंगार के साथ साथ क्या करना चाहिए? सिंगार तो बहुत लोग करके गए। माता को हरी रंग की साड़ी और गुलाबी साड़ी देते हुए ललिता त्रिपुर सुंदरी और सौभाग्य सुंदरी, सौभाग्य और सुंदरी ये दोनों को अगर एक जगह मिलाकर हम उनकी गोद में सारी चीजों को, जैसे गेहूं, खोबरा, नारियल और लवण, सिंदूर, कज्जल, चूड़ियां, कुमकुम ये देते हुए विशिष्ट मंत्रों के साथ एक माला मंत्र करते हुए उनको समर्पण करते हैं तो हमारे घर में ललिता त्रिपुर सुंदरी की कृपा से कभी दरिद्रता नहीं आती और महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली का वास होता है। वो मंत्र और उसके साथ का यंत्र और माला मैंने विशेष रूप से स्कंद पुराण में देख कर तैयार की है और आप यहाँ जो साधक आए हैं आपके जीवन में भी ऐश्वर्य हो, आप इससे भी ज्यादा ऐश्वर्यवान बने, गुरु कार्य करें, आप में शक्ति आए, इसलिए इस हर सिद्धि माता और सौभाग्य सुंदरी के बारे में आपको सब बताया। कल आप सभी लोग नर्मदा स्नान के बाद जहाँ यहाँ हो या हर सिद्धि माता के पास है, नर्मदा है, सौभाग्य सुंदरी के पास है, काल भैरवी जहाँ भी हो, नर्मदा स्नान करके इनका दर्शन ले लेंगे। कल दर्शन लेकर इन दो स्थानों में भी पूजा करेंगे और आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि आप सब ऐश्वर्यवान बने, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली की कृपा प्राप्त हो, आपके घर में सुख शांति हो, हर प्रकार की शांति आप अनुभव कर सके, गृहस्थ सुख अनुभव कर सके अपने पुत्र पौत्र पति पत्नियों से और आपका जीवन भी सुखमय हो, ऐसा आशीर्वाद देता हुआ इसको यहाँ समापन करता हूँ। शायद आपको भी भूख लगी होगी, आप सभी लोग आगे का कार्यक्रम करें। कल सुबह का कार्यक्रम मैं बता देता हूँ, सब लोग बहुत थके होंगे, सभी लोग सो जाओ, मैं साधना के लिए जाके आता हूँ महाकाली के पास। क्या आशीर्वाद है, बोलो परम पूजनीय सतगुरुदेव भगवान की, पूजनीय माता जी की, गुरुपुत्र गुरुदेव की, समस्त सिद्धाश्रम की, समस्त सिद्धाश्रम साधक परिवार की, बोलो हर हर महादेव। गुरु दीक्षा देता हूँ, सभी लोग बैठ जाओ, नए लोग, पुराने लोग, सभी लोगों को एक बार रिन्यूअल हो जाए, सभी लोग बैठ जाओ, गुरु दीक्षा देता हूँ, आ जाइए। गुरु के वजन की चीज लेकर शूलपाणेश्वर के मंदिर में तुलादान अगर कल के दिन किया जाता है तो वह साधक अपने जीवन में 7 जन्मों तक गुरु कृपा प्राप्त करते हुए गुरु के साथ रहता है, ऐसा कहा गया है। वो 8 वस्तु क्या है मैं यहाँ भैया के पास लिखवा देता हूँ, लेकिन आपको कष्ट करने का नहीं, गुरु कृपा है, देखेंगे आगे कैसा होना है। क्या
अभी गुरु दीक्षा दे रहा हूँ, सभी लोग मैं जैसा कहता हूँ वैसा के हाथ जोड़े। स्वामी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु प्रियम श्री निखिलेश्वरानंद स्वामी मम सद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अपना लेफ्ट हैंड हृदय पर रख लो, राइट हैंड सर पर रख लो, मैं मंत्र बोल रहा हूँ। बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। चेतना मंत्र बोलो ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रे ह्रीं ओम नमः। ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। एक पांच बार गुरु मंत्र जब बोल लो और गुरु की चरणों में नमस्कार करके खाना खाने के लिए जाओ।